सुर और तार, ये विक्रम है ये बेताल, बड़े अजब है इनके हाल, ये विक्रम है ये बेताल, विक्रम विक्रम ये है बेताल, विक्रम विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल। ये बनाए वो बने, वो सुनाए ये सुने, अंत में बिखरे मिलते हैं जो भी दोनों का अपने। अरे बन नहीं पाती इनकी चाल, ये विक्रम है ये बेताल, बड़े अजब है इनके हाल, ये विक्रम है ये बेताल, विक्रम विक्रम बेताल, विक्रम विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल। एक है पानी एक है तेल, कैसे विक्रम ये है बेताल, विक्रम विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल, ये है विक्रम ये है बेताल। डर नहीं लगता मुझसे? मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूं, मैं ये वादा भी जरूर पूरा करूंगा। चलो देखते हैं क्या मुसीबत है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, पर याद रखना एक भी शब्द नहीं बोलना, क्योंकि अगर तुम बोले तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। चंद्रलेखा मगध की राजकुमारी थी, वो बहुत ही सुंदर थी। बहुत से राजकुमार उससे ब्याह रचाना चाहते थे, पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन बेटी चंद्रलेखा, तुमने सारे राजकुमारों से ब्याह करने से मना कर दिया है, बताओ ना तुम कैसे इंसान से ब्याह रचाना चाहती हो? माँ, मैं उससे शादी करूंगी जो बहादुर भी होगा और मेरे काबिल भी। उसे इतना शक्तिशाली और साहसी होना चाहिए कि मेरी रक्षा कर सके। महाराज, तीन राजकुमार आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो, उन्हें पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। प्रणाम महाराज, मैं हूँ राजकुमार वीरेंद्र, मैं यहाँ आपसे राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूँ। प्रणाम महाराज, राजकुमारी जानना चाहती हैं कि राजकुमार वीरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण है कि राजकुमारी चंद्रलेखा इनसे शादी करें।
महाराज, मैं भविष्य बता सकता हूँ, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। अच्छा ठीक है राजकुमार वीरेंद्र, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक आप हमारे मेहमान हैं। राजकुमार वीरेंद्र के लिए हमारे अतिथिशाला में व्यवस्था कर दो, इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। राजकुमार उदयवीर महल में पधार रहे हैं। महाराज, मैं हूं राजकुमार उदयवीर, मैं आपके पास यहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं, पर क्या आपके पास कोई खास गुण है राजकुमार उदयवीर? जी महाराज, मेरे पास एक ऐसा रथ है जो जमीन पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकता है। अच्छा ठीक है राजकुमार उदयवीर, हमें निर्णय करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, तब तक आप हमारे राजमहल में मेहमान बनकर यहीं रहिए। राजकुमार उदयवीर को हमारी अतिथिशाला में ले जाओ और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। राजकुमार धनंजय महल में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज, मैं हूं राजकुमार धनंजय और मैं आपसे राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूं। ऐसा है महाराज, राजकुमारी जानना चाहती हैं कि राजकुमार धनंजय में ऐसा कौन सा गुण है कि वो इनसे ब्याह रचाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। देखिए, मैं एक बहादुर योद्धा हूँ, अपनी तलवार के वार से मैं चट्टान के टुकड़े भी कर दूं। राजकुमार धनंजय, हमें खुशी है कि आपके जैसा योद्धा यहाँ आया, पर हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक आप हमारे मेहमान बनकर राजमहल में रहिए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा महल में नहीं है, उन्हें सुबह आखिरी बार मंदिर जाते देखा गया। क्या कहा? चुप हो जाइए महारानी, मैंने हर दिशा में सैनिक भेज दिए, घबराइए मत, हमारी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। प्रणाम महाराज। ओह राजकुमार वीरेंद्र, आप भविष्यवाणी करते हैं, बता सकते हैं मेरी बेटी कहाँ है? वो महल से लापता है। लापता है? चिंता मत कीजिए महाराज, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ होगी। बताइए क्या बात है राजकुमार, राजकुमारी ठीक तो है ना? नहीं महाराज, उन्हें एक शक्तिशाली दानव ले गया, वो उसी के महल में कैद है, वो मुसीबत में है क्योंकि दानव उनसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, राजकुमार वीरेंद्र, वहाँ का रास्ता बताओ और मैं तुम दोनों को उस दानव के पास अपने रथ में ले जाऊंगा।
वहाँ देखो, वो है उस दानव का महल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर रात को आराम से खाऊंगा। तो राजा विक्रम, अब तुम बताओ, तीनों राजकुमारों ने उसे बचाने की कोशिश की थी, ये बताओ कि राजकुमारी किससे ब्याह करेगी? प्रश्न का उत्तर दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ओह ठीक है, बड़ा मामूली प्रश्न है। हर राजकुमार ने मेहनत की थी, पर अगर वीरेंद्र नहीं होता तो उन्हें राजकुमारी का पता ही नहीं लगता, और अगर उदयवीर नहीं होता तो वो दानव के महल तक पहुंच ही नहीं पाते। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसे राजकुमार धनंजय से ही शादी करनी चाहिए। अगर वो नहीं होता तो दानव राजकुमारी को खा जाता और राजकुमारों से शादी कर लेता। बिल्कुल सही कहा, यही है प्रश्न का सही उत्तर। लेकिन तुमने मुंह खोला, मेरी शर्त तोड़ी है तुमने। मैं चला विक्रम। रुको, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते बेताल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेताल ने विक्रम को अच्छी कहानी सुनाई, इसके बाद क्या हुआ वायु? बताओ ना वायु, क्या हुआ? क्या विक्रम बेताल को साधु के पास ले जा पाया? हाँ वायु, बताओ ना हमें इसके बाद क्या हुआ था। हाँ वायु, प्लीज बताओ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, मैं बाकी की कल सुनाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम हल्ला मचाना बंद करो। हम चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। फिर ठीक है, बाकी की कहानी सुनने के लिए कल आ जाना। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बच्चों।